मैं आपको महाराष्ट्र की प्रसिद्ध रेसिपी पूरण पोली बनाना बताती हूँ, कैसे बनाई जाती है। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है और आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं। इस पूरण पोली को गणेश चतुर्दशी और दिवाली पे बनाया जाता है, लेकिन आप इसको कभी भी बना के खा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसके लिए मुझे किसकी चीजों की जरूरत पड़ेगी। 2 कप मैदा, इसकी जगह आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या 1 कप मैदा 1 कप आटा भी ले सकते हैं। 3/4 कप चने की दाल, इस दाल को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया। जब दाल फूल गई, इसके बाद मैंने इसको कुकर में डाल के 1 कप पानी डाला और 2 सीटी तक बॉईल की। जब कुकर ठंडा हो गया, इसके बाद मैंने इस दाल को चलनी में डाल करके इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया है। अब ये बॉइल दाल है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं दबाती हूँ, देखिए दबने से, ये देखिए दब रही है। हमें इसी टाइप की बॉइल दाल चाहिए और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। 3/4 कप पाउडर शुगर, इसकी जगह आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हरे वाले नारियल का मैंने बुरादा लिया है, इसे मैंने घर पे बनाया। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और वैसे इसको मैं बनाना आपको बता देती हूँ। हरे वाले नारियल का जो पीछे का ब्राउन कलर का पोर्शन होता है उसे आप छील लें, इसके बाद आप मिक्सी से पीस कर भी आप इस बुरादे को बना सकते हैं। मैंने ये देसी घी लिया है, इसकी जगह आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 छोटी इलायची जिसे मैंने पीस लिया है। ये नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें 1/4 छोटी चम्मच नमक डालूंगी। मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं मैदा डाल देती हूँ, नमक डाल देते हैं। अगर आपको नमक नहीं पसंद है तो आप इसमें नमक ना डालें। दो टेबल स्पून ये मैं घी डाल देती हूँ, मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने एक कप पानी लिया है, पानी गुनगुना है, इसे गुनगुने पानी में ही आप इस डो को बनाएं। मैं इसको डो को सॉफ्ट बनाऊंगी, जैसे हम चपाती का बनाते हैं उसी तरीके से बनाना है। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, जिससे कि ज्यादा ना हो जाए। ये मैंने डो बना लिया है, हमें इसी टाइप का डो चाहिए सॉफ्ट। अब मैं हाथ में थोड़ा सा घी लगा करके इस डो को थोड़ा सा चिकना कर लूंगी। अब इस डो को 20 मिनट के लिए मैं सेट होने के लिए रख देती हूँ। अब मैं आपको स्टफिंग बनाना बताती हूँ कैसे बनाते हैं। अब मैं इस दाल को मिक्सी में डाल करके पीस लूंगी। कोशिश करें इस दाल को ऐसे ही पीसे, अगर आपको पीसने में दिक्कत आती है तब आप 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और मैंने ये दाल पीसी थी, अब मैं इसमें डाल देती हूँ। मैं इसमें पिसी हुई चीनी डाल देती हूँ और इसको मिक्स कर देती हूँ। आप चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने दाल में चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस को मैंने मीडियम कर दिया है। अब मैं इसमें नारियल डालूंगी, मैंने ये
पानी वाला नारियल लिया है, आप सूखा नारियल भी डाल सकते हैं। नारियल डालने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं, इसीलिए मैंने इसमें नारियल डाला है। आप बिना नारियल का भी इसको बना सकते हैं। अब मैं इसमें इलायची डाल देती हूँ। अब मैं इसको भूनूंगी हल्का ब्राउन कलर का होने तक, जिससे कि दाल का कच्चापन जो है वो निकल जाएगा। इसको लगातार चलाते हुए भूनना है, जिससे कि ये तली में ना लगे। मैंने इस दाल को लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भुना है। अब यह दाल भुन गई है, देखिए तली भी छोड़ना शुरू कर दी दाल ने। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। स्टफिंग ठंडी हो गई है, अब मैं आपको पूरन पोली बना के दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। 20 मिनट हो गए हैं, डो भी सेट हो गया है। अब मैं इस डो को थोड़ा सा चिकना और कर लेती हूँ। अब मैंने डो को चिकना कर लिया है, अब मैं इसके गोले बनाऊंगी। आपको पूरन पोली जितनी बड़ी चाहिए उस हिसाब से आप लोइया बना लें इसकी। अब मैंने ये लोइया बना ली है, अब इसमें से मैं एक लोई ले लेती हूँ और इसको रख देती हूँ ढक करके। मैं इसे इस बोर्ड पे बनाऊंगी, आप चकले पे भी बना सकते हैं। इस लोई को मैं चिकना कर लेती हूँ हाथ से, देखिए मैंने चिकना कर लिया है। ये मैंने सूखा आटा लिया है, अब इस लोई को इसमें मैं इस तरीके से लपेट दूंगी। अब मैं इसको बेल लेती हूँ, देखिए मैंने ये बेल लिया। अब मैं स्टफिंग को इसके अंदर भर दूंगी। देखिए अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। स्टफिंग को अच्छे से बंद करें जिससे कि ये बाहर ना निकले। देखिए अब मैं इसको हाथ से दबा देती हूँ। अब इसे दोबारा से सूखे आटे में लपेट दूंगी। हमें पूरन पोली को पतला बेलना है, जितना पतला हम बेल सकते हैं उतना पतला बेलना है। आप इसे हल्के हाथों से बेलें जिससे कि इसके अंदर जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। देखिए ये मैंने बेल लिए, इस तरीके से आप बेल लें। मैं दिखाती हूँ कितनी पतली बेली है मैंने, देखिए। अब मैं ऐसी एक और बेल लूंगी, ये मैंने दूसरी भी बेल ली है। अब मैं आपको सेक के दिखाती हूँ। मैंने गैस पर तवा रख दिया है, तवा गरम हो गया है, हमें हल्का तवा गरम ही चाहिए। अब मैं इसमें घी लगा देती हूँ। अब मैं इस पर डाल देती हूँ, जब एक तरफ से सिक जाएगी तब मैं इसको पलट दूंगी। और गैस को मैंने मीडियम कर दिया है, अब ये एक तरफ से सिक गया है। अब मैं इसको पलट देती हूँ। ये दूसरी तरफ से भी सिक गया है। अब मैं इसमें घी लगा देती हूँ, आप चाहें तो इसे ऑयल में भी सेक सकते हैं। अब मैं इसको पलट देती हूँ।
इसे हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए सेकूंगी। अब मैं इधर से भी घी लगा देती हूँ। आप इसे कम घी में भी सेक सकते हैं। अब मैं इसको पलट देती हूँ। इसको हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए सेके। अब ये सिक गया है। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। देखिए पीछे से भी सिक गया है। देखिए कितना अच्छा सिका है। अब मैं इस पर दूसरा डाल देती हूँ और इसको भी उसी तरीके से सेक लूंगी जैसे मैंने पहला सेका है। ये भी सिक गया। अब मैं इसको भी उतार लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी पूरन पोली सिकी है ये। इसी तरीके से मैं सभी सेक लूंगी। देखिए कितनी अच्छी पूरन पोली बनके तैयार हुई है। आप इसे दही से खा सकते हैं, अचार से खा सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। आप इसको कहीं जाना है आप इसको बना करके ले आ सकते हैं। आप ये 4 से 5 दिन आराम से एयरटाइट डिब्बे में रख करके चल सकती है। जब भी आपको खाना है तभी आप निकालें और उसको खाएं। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। अगर ये पूरन पोली आपको पसंद आती है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए नमस्कार।